हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यानी कि TEE पर। दोस्तों, ये वीडियो है आपके फाइनल ईयर के छात्रों के लिए, जो भी हमारे फाइनल ईयर अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका फेज 4th में अभी रजिस्ट्रेशन होना है, लेकिन वहाँ पर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा है। तो किस तरीके से आप लोगों को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शो होगा, उसके बारे में इस वीडियो में पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पता है, हम लगातार आपको पूरी संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया, स्कॉलरशिप फॉर्म सब कुछ बता रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको आगे भी लगातार जो जानकारी मिलती रहेगी और पूरे बीएड के 2 साल के सफर में हम आपके साथ हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, जितने भी हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अगर वह मोबाइल से अपने फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, मोबाइल से अपनी काउंसलिंग कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है पफिन। आप देख रहे हैं चिड़िया, ऐसा एक ब्राउजर है जो कि गूगल क्रोम की ही तरह है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। क्या नाम है इसका, पफिन, PUFFIN। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आप गूगल पर सर्च करेंगे mjpru.ac.in। गूगल का मतलब है इसी ब्राउजर पर आप ओपन करेंगे, ठीक है। इसी ब्राउजर को खोलने के बाद आप लोग इस पर सर्च करेंगे mjpru.ac.in, तब आपको इस तरीके का पेज जो है ओपन हो जाएगा। इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, फिर आप देखेंगे आगे जाके यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर फॉर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। और जो लोग लैपटॉप से कर रहे हैं, डेस्कटॉप से कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनको नॉर्मली जो है डायरेक्टली अपना हेयर यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, तो उन लोगों को सीधे जो है क्लिक हियर फॉर एडिट का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। एक्चुअली होता है कि जो फाइनल ईयर के छात्र हैं, जितने भी हमारे अपीयरिंग के छात्र हैं, जिन लोगों ने 2022 में यहाँ पर अभी जो ग्रेजुएशन किया है, तो उन लोगों को सबसे पहले अपनी मार्कशीट अपलोड करनी पड़ती है, ठीक है। तो मार्कशीट अगर आप मोबाइल से अपलोड कर रहे हैं तो आपको पफिन ब्राउजर डाउनलोड करना पड़ेगा, और अगर आप लैपटॉप से अपना जो है मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं तब आपको जो है ब्राउजर डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो नॉर्मली जो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड है उसको हम लोग फिल करेंगे। यूजर आईडी पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पर आई एग्री एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का पेज ओपन होगा, ठीक है। इस तरीके का पेज ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको राइट में 3 डॉट्स दिख रहे होंगे ये वाले, इन पर आपको क्लिक करना है। इन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको साइड से ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको इस तरीके का मैसेज शो होगा, यहाँ पर आप ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको इस तरीके का पेज शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे टॉप पर लिख कर आ रहा है क्लिक हेयर टू एडिट एप्लीकेशन। अब मोबाइल से अगर आपको ये करना है एडिट, तो आपको इसी एप्लीकेशन का सहारा लेना पड़ेगा पफिन का, और अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से कर रहे हैं तो इजीली आपको सीधे यहाँ पर दिख जाएगा क्लिक हेयर टू एडिट एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी कोई भी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं है, लेकिन अभी आ जाएगा। किस तरीके से आएगा उसको हम देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्लिक करेंगे कहाँ पर, क्लिक हेयर टू एडिट एप्लीकेशन लिखा हुआ, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका पूरा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स है, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स है। तो हम लोग बिल्कुल यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे बिना कुछ चेंजमेंट किए हुए, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी पूरी जो है स्ट्रीम लिख कर आ जाएगी, आर्ट वगैरह जो भी, यहाँ पर हाई स्कूल और 12th के आपके मार्क्स आ जाएंगे। मार्क्स आने के बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपने जो शुरुआत में अपेयरिंग सेलेक्ट किया था, जब आपने अपने फॉर्म को फिलअप किया था, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पास जो है सिलेक्ट कर लेंगे, यानी आपको पास वाले पर टिक कर देना है। जैसे आप पास वाले पर टिक करेंगे तो आपको इस तरीके का पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रीम चुन लेनी, यानी आर्ट्स एंड जो भी आपका है। स्ट्रीम चुनने के बाद यहाँ पर आपको उस विश्वविद्यालय का नाम लिखना जहाँ से, या फिर जो आपका कॉलेज नेम है जहाँ से आपने जो ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद रोल नंबर लिखना, रोल नंबर आपको फाइनल ईयर का लिखना है, ध्यान दीजिएगा, रोल नंबर आपको फाइनल ईयर का लिखना है। उत्तीर्ण होने का वर्ष आपका 2022 ही रहेगा। कुल प्राप्तांक, तो आपका जो टोटल रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, जो ग्रांड टोटल लिखा हुआ है वह यहाँ पर आपका टोटल पड़ेगा 3 वर्षों का, और 3 वर्षों का यहाँ पर आपको अधिकतम पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपका रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर 1350 का टोटल होता है, और जितने भी आपके आए हैं वो आप यहाँ पर भर देंगे, समझ रहे हैं आप लोग। और परसेंटेज आपका अपने आप लिख कर आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपके इंटरनेट की मार्कशीट है उसको आप कैसे अपलोड करेंगे, उसको मोबाइल से आप लोग फोटो क्लिक कर लीजिएगा, या फिर इंटरनेट की मार्कशीट को आपने डाउनलोड किया होगा डायरेक्टली PDF को, ठीक है, या फोटो को, तो आप इसका जो है फोटो यहाँ पर क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। फोटो का साइज़ भैया 1 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग उसको PDF फॉर्मेट में डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं, फोटो में भी अपलोड कर सकते हैं। 1 MB से साइज़ उसका अधिक नहीं होना चाहिए। अगर साइज ज़्यादा है तो आप लोग जो है फोटो रिसाइजर ऐप के नाम से, फोटो रिसाइजर ऐप आता है, उसकी मदद से आप लोग उसका साइज कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर चूज फाइल करेंगे। चूज फाइल करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप अपलोड करेंगे वहाँ पर लिख कर आएगा कि फाइल हैज बिन सक्सेसफुली अपलोडेड, यानी कि फाइल आपकी अपलोड हो चुकी है। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर एक प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा। प्रीव्यू के ऑप्शन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने जो अपना रिजल्ट अपलोड किया वह सही ढंग से अपलोड हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आप अपने नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे, वेटेज एंड डिटेल्स पर। इस पर आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे आकर सिर्फ आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना। उसके बाद आप बिल्कुल आप लास्ट पेज पर पहुंच जाएंगे, प्रेफरेंस एंड पेमेंट्स वाले पे, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बस आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको जो सही का टिक जो लगा यहाँ पर आई एग्री लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड यहाँ पर आपको डाल देना है। जो भी अंक यहाँ पर लिखे गए, जो भी आपको यहाँ पर जो अल्फाबेटिकल लिखे गए हैं, स्मॉल है तो स्मॉल और अगर आपको कैपिटल है तो कैपिटल यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉइज आ रही होगी, इसके लिए सॉरी, अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जी लेटर्स दिख रहे हैं उनको आपको यहाँ पर फिल करना है, फिल करने के बाद यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा, यानी अपने फाइनल आपने जो है फाइनल की मार्कशीट को अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अब आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर फॉर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। अब जो इसके आगे का प्रोसीजर है बिल्कुल सेम है जो कि हमने ऑलरेडी आपको अभी वीडियो बना दी है, तो आप लोग चाहें तो पफिन ब्राउजर की मदद से आगे का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और चाहें तो गूगल क्रोम पर भी आप आगे का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, यानी सिर्फ हमें पफिन का यूज़ करना था अपनी मार्कशीट अपलोड करने के लिए। आगे आप जहाँ से चाहें वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नीचे आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी इसकी वीडियो लिंक दी गई है फेसबुक की, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, या चैनल पर हमने अपलोड कर दिया, आप लोग उसको देखिएगा। इसके आगे का प्रोसीजर आप उस वीडियो की हेल्प से पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको पूरा स्कॉलरशिप फॉर्म और सब कुछ यहाँ पर आपको परीक्षा फॉर्म अच्छे से यहाँ पर सारी जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं और सारी क्लासेस भी यहाँ पर रेगुलर चल ही रही हैं, तो आप लोग प्लीज़ हमारा सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।